जो पद हैं वो 85,477 और 6 से 8 1,745 पद, और साथ ही साथ इसका जो वेतनमान है उसका भी निर्धारण किया है। वेतनमान में जो प्राथमिक विद्यालय मूल कोटि का जो अध्यापक का मूल पद है वो 25,000 होगा। बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां नीतीश कैबिनेट ने शिक्षक बहाली पर जो अपनी मोहर है वो लगा दिया और 1,78,026 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये नियुक्ति प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों के लिए है और इस नियुक्ति में लगभग 1,78,026 पद हैं, जिसमें प्राइमरी शिक्षकों के 50,477 पद, वहीं छठी कक्षा से आठवीं तक के 1,745 पद, नौवीं और दसवीं कक्षा के 33,186 तथा 11वीं और 12वीं कक्षा के 57,618 पद सृजित किए गए हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ, पहले हम आपको सुनाते हैं। परिषद में 18 विषय पर चर्चा की गई और समझ में निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में शिक्षकों की बहाली के संबंध में लिए गए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दी गई और अब इसके अंतर्गत पदों के सृजन हुए, जिसमें मूल कोटि के 40,185 पद जो मरणशील हो गए थे एवं विशेष शिक्षक के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नगर शिक्षक के क्रम से मूल कोटि के स्नातक कोटि के 5,534 एवं 1,745 सभी पदों को प्रत्यर्पित करते हुए अब 1 से 5 तक के जो पद हैं वो 85,477 और 6 से 8 1,745 पद। तो ये आप समझ सकते हैं कि कुल जो पद सृजित हुए हैं वो 85,477 जो 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए 1,745 पद का सृजन हुआ है। साथ ही साथ इसमें यह भी निर्णय हुआ है कि यह जो परीक्षा है वो बिहार प्रशासनिक बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली जाएगी, यह भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। और साथ ही साथ इसका जो वेतनमान है उसका भी निर्धारण किया है। वेतनमान में जो प्राथमिक विद्यालय मूल कोटि का जो अध्यापक का मूल पद है वो 25,000 होगा और जो स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक का मूल वेतन है 28,000 होगा। तो इस पूरे पद का जो सृजन हुआ है इसमें कुल व्यय होगा 4,629 करोड़ अनुमानित 46,29,23,07,120 रुपए का व्यय होगा। तो ये मंत्रिपरिषद ने जो टीचर्स का जो पद सृजन है आपका 1 से 5 और साथ ही साथ आपका 6 से 8 का पद सृजन, साथ ही साथ उसका मूल कोटि का वेतन निर्धारण और साथ ही साथ इसका जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसका भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। इसके साथ ही साथ जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 है, इसमें जो 11 से 12 और 9 से 10 के भी पद सृजित किए गए हैं, जिसमें 11 से 12 तक के जो विद्यालय अध्यापक हैं 57,618 पद सृजित हुए हैं और 9 से 10 के लिए 33,186 पद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चार आंकड़े हैं जो महत्वपूर्ण हैं, 1 से 5 के हैं 85,477, 6 से 8 के हैं 1,745, आपके 11 से 12 हैं 57,618 और 9 से 10 हैं 33,186। सीधे तौर पर अपर मुख्य सचिव ने बताया कि ये नीतीश कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला है और अब के पदों की स्वीकृति होने के बाद यह हर जिलों में इन पदों को भेजा जाएगा और आरक्षण का रोस्टर क्लियर होने के बाद अब उसके बाद फिर रिक्तियां बीपीएससी को भेजी जाएंगी और मई के अंत तक जो तमाम रिक्तियां हैं
उसके लिए वैकेंसी जो है वो मई के अंत तक निकलने की संभावनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने पहले भी कहा था कि हम शिक्षकों की भारी संख्या में बहाली करेंगे, तो 1,78,026 पद जो हैं वो शिक्षकों के, उन पदों पर नीतीश कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। और उसके साथ ही साथ कुल 18 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, SG News पटना।